नीमच एसडीएम के द्वारा शहर के फव्वारा चौक बारादरी तक दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया, जहां एसडीएम के द्वारा नगर पालिका की जेसीबी के द्वारा अतिक्रमण को हटवाया गया तथा अन्य दुकानदारों को समझाइश दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। काफी जगह है, बहुत स्पेशियस शहर है और सड़कें भी बहुत सुव्यवस्थित है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, यदि वो अपनी बाउंड्रीज में रहेंगे तो वो लोग का बिजनेस भी कर पाएंगे और यातायात और पार्किंग की समुचित व्यवस्था मिलेगी। थोड़ी दूर तरह से आगे तक काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है जिसमें ठेले वगैरह लगे हुए हैं, तो जो ठेलों का एक्सटेंशन है वो यदि कम हो जाता है तो फिर वो बेहतर व्यवस्था हो पाएगी उसको हम लोग। अच्छा, जो पार्किंग के लिए जगह निश्चित की गई थी कमल चौक के पास, उस पर अब सब जगह ठेले लग गए हैं, तो उसको लेकर क्या इंतजाम रहेंगे आगे? उनको अपनी सीमाओं में लिमिट्स में रखने के लिए कहा है ताकि उनका एक्सटेंशन ना हो और वो अपना बिजनेस भी करते रहें और जगह ज़्यादा जगह ना लें। जैसे उन लोगों ने तखत लगा लिए हैं, कुछ बेंचेस लगा के बड़े बड़े तंबू तान के और फिर उसमें दुकान टाइप संचालित कर रहे हैं, तो जो ठेले या अस्थाई दुकान है वो अस्थाई स्वरूप में और जो ठेले के साइज में रहेगी तो पार्किंग के लिए कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये है कि ये गाँव बाग पिपलिया थाना बघाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ पे ये जटपुरा रेल मगरा के और बुद्धा खेड़ा के गांव से यहाँ शादी में आए हुए थे, उनके बच्चे फैमिली से यहाँ शादी के कार्यक्रम में। उसमें क्या हुआ कि तीन बच्चे जो है शादी के कार्यक्रम में आने के बाद जो है वहाँ तालाब है पास में, वहाँ नहाने गए चले गए थे और क्या हुआ कि नहाते नहाते लोग पानी में चले गए और अचानक उसमें डूब गए। डूबने के बाद जैसी खबर मिली कि कितने देर हो गया था तो जैसे जैसे पता चला कि उसी में डूब गए हैं, निकाला उनके शव को निकाला और फिर उनको बाद में तत्काल यहाँ हॉस्पिटल लेके ले आए। सर, बच्चे कौन है, नाम क्या उनके, मृतक नाम क्या? नाम मृतक बच्चों का नाम है अफजल हुसैन और दूसरे का अरबाज खान और तीसरे का फरहान खान। ये बात 2 13 13 साल के हैं, 1 12 साल। सर, ऐसा बताया जा रहा है तालाब के अंदर कोई जाल वाल था उससे फंस गए, ऐसे कुछ इसमें कुछ नहीं, अभी ये समझ में ये बात नहीं आई है कि जाल था ये, वो तो पता चले, इन्वेस्टिगेशन करेंगे बाद। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।